1313। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी जो यूजुअली बच्चों को पसंद नहीं होती है, और बच्चों तो क्या कई बार तो बड़ों को भी पसंद नहीं होती है, पर हमारे घर के बच्चे भी बड़े स्वाद से खाते हैं और बड़े भी बड़े स्वाद से खाते हैं। और जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा होती है, हेल्दी होता है खाने के लिए। तो आज हम एक स्पेशल तरीके से डालेंगे कद्दू की सब्जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमने 3 मीडियम साइज के कद्दू लिए थे जो लगभग 1 kg के बराबर है। तो अब हम इनको कट करेंगे, फटाफट से हम इन तीनों को कट कर लेंगे। आपको बहुत छोटे नहीं काटने हैं और बहुत बड़े भी नहीं काटने, मीडियम साइज के काटने हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितने फास्ट से फटाफट से काट रही हूँ, और ये है भी इतने फ्रेश है कि फटाफट से कट भी रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट पम्पकिन कट चुका है, देख लीजिए कि मैंने इसे पूरा काट लिया था और मैंने इसे काटने से पहले ही वॉश कर लिया था, तो अब मुझे वॉशिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे कद्दू की सब्जी बनानी है। तो अब हम अपने कद्दू की डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम पम्पकिन कैसे बनाते हैं उसको टेस्टी और यम्मी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा 1 tablespoon के करीब जीरा पाउडर ले लिया है। पाउडर नहीं लिया मैंने, इसको ऐसे स्प्लिट लिया हुआ है। और मेथी सीड्स हैं, एक उसमें मैंने क्लोव भी डाल रखा है लौंग, थोड़ा सा सरसों के दाने हैं, फाइनली चॉप्ड किया हुआ थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने एक, टमाटोज लिए हैं 2, और जिंजर और गार्लिक का क्रश करके मैंने ये लिया हुआ है। मैंने इसको फाइनली वो मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसको फाइनली विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर मैंने इसको चॉप किया हुआ है। और ये हमने कश्मीरी मिर्च ली है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। तो हम अब अपनी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई को हम अपने पैन रख लेते हैं, कढ़ाई रख लेते हैं। फिर अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, ये देख लीजिए मैं डाल रही हूँ। अब हमें इसे थोड़ी देर हीट होने देना है, जब इसमें धुआं निकल जाए फिर उसे हमने अपनी जो हीटिंग डिवाइस है उसे बंद कर देना है। आइदर आप गैस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो तेल है वो हीटअप हो चुका है, जो मस्टर्ड ऑयल है हीटअप हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे इसमें, अगर आपको वीडियो में दिखेगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अपने गैस स्टोव को थोड़ा स्लो कर देंगे और थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। देख ही रहे होंगे कि ये ऑलमोस्ट तेल हीटअप हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे येलो वाले मस्टर्ड सीड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखो ये थोड़े से चटकने लग गए हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें मेथी सीड्स डालेंगे प्लस 1 क्लोव डाल देंगे, ये भी हमने डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा होने देंगे, बिस्किट के कलर का, थोड़ा सा चटकने लग गया। अब इसी के साथ साथ आप इसमें क्या डालोगे, एक अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, बहुत जो खुशबू आती है इसकी ये बहुत अच्छी आती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग जिंजर और गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन जब तक होता है तब तक हम इसे खिलाते हैं थोड़ा सा। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, जो मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था बिल्कुल, अब हम इसे लाइट ब्राउन तक होने तक भूनेंगे। अब देख ही रहे होंगे आप, ये हल्का हल्का येलोइश जैसा शेड देने लग गया है, दैट मींस ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया है। इसमें 1 टोमेटो डालना है ओनली, क्योंकि हम इसमें एक और बाद में एक सीक्रेट चीज डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब आपने इसको क्या करना है, जब तक इसका रेड कलर आता है तब तक हम वेट करते हैं, और साथ ही साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। धनिया पाउडर डाल रहे हैं,
वन मोर थिंग, जब आप ये बनाएंगे और एक कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि कैसी इसकी खुशबू आती है। हम लोगों को तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब हमें तड़का लगाते हैं। आप भी देखिए साइड से तड़का लगा कर की खुशबू कैसी आती है। और हम लास्ट में इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, क्योंकि मैंने किसी भी मिर्च का इसमें प्रयोग नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम लोग चिलीज कम खाते हैं और वो जो मैंने रेड चिलीज डाली है इसमें वो मैंने इसलिए डाली ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अब ये जल ना जाए तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे और वाटर के साथ साथ ही हम इसमें जो पंपकिन हमने कट करके रखे थे उन्हें हम धीरे धीरे करके डालेंगे। आपको क्या करना है, बस एक बार लैडर को घुमाना है अच्छे से और इसे क्लोज करके 15 मिनट्स के लिए रख देना है और वो भी थोड़ी धीमी आंच पर। अब जो हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो है बटर मिल्क। ये देखिए आप, मैं इसको इसके अंदर बटर मिल्क का मैंने इसमें 4 लैडर्स बटर मिल्क के डाल दिए हैं। अगर आप दही भी डालना चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, पर दही की क्वांटिटी फिर आप हाफ कर दीजिए। और आपको उसको तब तक कुक करना है बटर मिल्क के अंदर जब तक कि इसमें जो ये ऑयल है ये ऑयल ना छोड़ दे। इसमें ऑटोमेटिकली जो जब ये कुक हो जाएगा तो इसमें से ऑयल निकल आएगा, तो तब तक हम इसे कुक करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया, दैट मीन्स ये फुली कुक हो चुका है। और देखिए कितना बटरी बटरी सा बना है। और आप ऐसा कीजिए, इसको आप टेस्ट करिए और टेस्ट करके बताइए ये कैसा बना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं ये फुली रेडी हो चुका है और हमने इसे गार्निश भी कर दिया है कोरिएंडर लीव से, धनिया पत्ती से। देखने में भी देखिए अच्छा लग रहा है। बस आप झटपट से उठिए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है।